ऑल राइट, सो गुड मॉर्निंग, हियर इज अनदर एपिसोड ऑफ मॉर्निंग वॉक विद। आज का जो एपिसोड है वो एक्चुअली मॉर्निंग वॉक तो नहीं है, हालांकि सुबह के तकरीबन 6:15 बज रहे हैं। आई एम हियर एट द इंडिया गेट और आज हमने एक स्पेशल गेस्ट को आप तक मिलवाने की कोशिश की है। जब हम मॉर्निंग वॉक या एक्सरसाइज की बात करते हैं तो यूजुअली एक स्पोर्ट, एक एथलेटिज्म हमारे दिमाग में आता है। आज जिस गेस्ट से मैं आपको मिलवाने वाला हूँ वो बहुत स्पेशल है और जिस स्पोर्ट में वो डील करते हैं, जिस स्पोर्ट में वो मेहनत कर रहे हैं पिछले कुछ सालों से और जो उनका गोल है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। आज मैं आपको मिलवाने वाला हूँ एक फार्मूला वन ड्राइवर से। कैसे एक फार्मूला वन ड्राइवर अपनी जर्नी बिल्ड करता है, कैसे ये लोग गाड़ी चलवाते हैं, एंड इफ इज ऑल गुड आई विल टेक यू फॉर अ राइड। एक फार्मूला वन ड्राइवर के साथ हम राइड भी करेंगे, लेट्स सी ये लोग कितनी तेज, कितनी कैसी गाड़ी चलाते हैं उससे भी बात करेंगे और इनकी जर्नी भी जानने की कोशिश करेंगे कि भाई कैसा होता है एक फार्मूला वन ड्राइवर होना, कितनी मेहनत लगती है, क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, कितना रिस्क है स्पोर्ट में, गवर्नमेंट कैसे सपोर्ट कर रही है, कैसे सपोर्ट नहीं कर रही है। तो लेट्स कम विद मी, मैं आपको आज मिलवाता हूँ ली केशव से। ली केशव इंडिया के एक फार्मूला वन ड्राइवर है, फार्मूला वन में रेसिंग करते हैं, इंडिया में बहुत सारी रेसेस इन्होंने ऑलरेडी जीती है, तकरीबन 10 साल का लंबा एक्सपीरियंस है। तो आज इनसे बात करेंगे, एक राइड भी लेंगे, समझेंगे कि कैसा कैसा इनका लाइफ जर्नी रहा। हाय हाय, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग, हाउ आर यू? हाउ आर यू? आई एम गुड, यू लुक गुड। या थैंक यू मैन, यू टू। ऑल राइट, आई थिंक आई एम ओवर ड्रेस्ड। नो नो, यू लुकिंग गुड, यू लुकिंग गुड। यू डू लुक लाइक अ दिल्ली बॉय बाय द वे। डू आई? ओह नो। ऑल राइट, सो ही इज ली केशव, लेडीज एंड जेंटलमैन, व्हाट इज दिस स्पोर्ट ऑल अबाउट? लेट अस नो ऑल अबाउट इट। वेल, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रियली हैप्पी टू बी हियर एंड यू नो racing is you know something I've been following since I was a kid. All right. And mere jo early years the you know tv mein maine formula 1 dekha ha, and I was like ye hai kya, you know. And see, I'm from delhi, north india. Yahan pe racing ka koi culture hi nahi tha in the 90s when I was growing up, so this was purely just watching on tv and getting inspired, right? And wo curiosity hoti hai na ki ye kaise karna hai aur isme yahan pe hum jaye kaise. That was the seed jisse emotion start hue, and then as I got older, when I got into my teens, maine bahut research kari. All right. And eventually I understood motorsport kya hota hai, and I think I got really lucky that India mein us time Formula 1 was coming. And the timing just worked out. Right. And there were a lot of training programs and other things that I got to do. Hmm. And after that, finally I entered the national championship. And I raced in multiple cars. I've raced the Volkswagen Cup. Okay. I have briefly driven the Formula BMW JK tire as well. All right. And the best championship I raced in India was the MRF National Championship, in which I raced Formula cars. All right. And that's how my first win also happened. हाँ, so formula का आंसर वो वाली कार हो जो पतली वाली लंबी वाली, हाँ जी बिल्कुल, उसके लिए बहुत fascination है। हाँ, they are like उनका जो ड्राइविंग स्टाइल होता है बिल्कुल ही डिफरेंट होता है। दे आर पर्पस मेड फॉर ड्राइविंग, यू नो, फॉर रेसिंग। सो उनकी जो फील होती है, सब कुछ होता है, इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम अ नॉर्मल कार। एंड उसको रेस करने के बाद देन आई ऑल्सो वेंट एंड रेस इंटरनेशनल इन एमआरएफ चैलेंज, और वहाँ पे मेरे को बहुत अच्छा एक्सपोजर मिला बिकॉज आई गॉट टू रेस विद सम वर्ल्ड क्लास ड्राइवर्स। तो इज इट अ लाइक थोड़ा सा महंगा स्पोर्ट है क्या, बिकॉज़ गाड़ियां महंगी होती हैं? और हां, महंगा है। आई थिंक इट्स वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव स्पोर्ट्स इन द वर्ल्ड। तो आपको लगता है कि यंग लोग आ रहे हैं, पीपल आर गेटिंग एट्रैक्टेड टुवर्ड्स द स्पोर्ट्स, और दे आर एटलीस्ट बीइंग अवेयर अबाउट द स्पोर्ट की? यार एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। आई थिंक जो फार्मूला 1 क्रेज है इंडिया में वो बढ़ रहा है। हां, एंड एज अ रिजल्ट जो अब जो डिस्कवर कर रहे हैं उसको, राइट, दे हैव द इंफॉर्मेशन, अब सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है इंटरनेट में, सब कुछ। जो मैं ढूंढ रहा था कुछ था ही नहीं, यू नो। हां, इंटरनेट भी नया नया, यू नो, ढूंढ रहा था। हां, देयर मस्ट हैव बीन अ लॉट ऑफ चैलेंजेस आपके टाइम पे। तो सब इंफॉर्मेशन है। सो हाउ आर द कमर्शियल्स इन्वॉल्व? आई एक्चुअली वांट टू गेट अ बिट ऑफ इनसाइट ऑफ द स्पोर्ट। हम लोग हर स्पोर्ट के बारे में जानते हैं, क्रिकेट में क्रिकेटर्स हैव अ कॉन्ट्रैक्ट साल का कि दे गेट पेड एट द एंड ऑफ द ईयर, और अलग अलग एडवर्टाइजमेंट्स करके और आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। स्पोर्ट्स में, हॉकी में भी ऐसा कुछ होता है। What is it about Formula 1? क्या contract रहता है? कुछ companies के साथ आप contract करते हैं, या it's completely up to you? You're an individual player. How you play it? How you win it? थोड़ा सा आप insight दीजिए। Good question. So देखो, कोई भी sport में अगर आप खेलना शुरू करो, आपको पैसे नहीं दे देते आके, है ना? Right. पहले आपको खुद training करनी पड़ती है, चाहे वो Olympics हो, चाहे कुछ भी हो। अगर आप shooter हैं या wrestler हैं या cricketer हैं, आपको पहले कहीं ना कहीं से अपने आप ही उसको fund करना पड़ेगा। Right. चाहे वो आपकी फैमिली से हो, चाहे आपके अपने आप से हो, चाहे आपके फ्रेंड्स हो, चाहे कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी, कोई भी हो, एकदम से कोई भी आपको पैसे नहीं देगा। राइट, रेसिंग में भी सेम है। okay. आपको अर्ली इयर्स में खुद इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, और अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा। व्हेन यू प्रूव योर सेल्फ, देन इट इज लाइक एनी अदर बिग स्पोर्ट। पैसा बहुत है, यू नो, इफ यू मेक इट देयर, बिकॉज स्पॉन्सरशिप्स इज अ बिग वन,
आजकल ब्रांड्स आर यू नो देयर फॉर्मूला 1 में सारी ब्रांड्स हैं. टाटा इज एक्चुअली अ बिग पार्ट ऑफ फॉर्मूला 1 यू नो. अच्छा, आई डिडंट नो. अ लॉट ऑफ द टेक्नोलॉजी इज पावर्ड बाय टाटा. ऑलराइट, सो टीसीएस यू नो, एंड सो ऑल द स्ट्रीमिंग दैट हैपेंस दैट वी वॉच इज एक्चुअली पावर्ड बाय टाटा यू नो. ऑलराइट, सो इंडियन कंपनीज वाला पार्ट जो पूरा जो 4K रिकॉर्डिंग और जो स्ट्रीमिंग होती है सब टाटा. इट्स बीन डन बाय टाटा. यस, इट्स ऑल पावर्ड बाय टाटा. एंड यू कैन सी महिंद्रा आर इन फॉर्मूला ई नाउ. राइट, एंड सो जो टेक्नोलॉजी एस्पेक्ट है उसका इट्स एक्चुअली वेरी अट्रैक्टिव. एंड द मार्केटिंग एस्पेक्ट इज वेरी अट्रैक्टिव बिकॉज फॉर्मूला 1 इज अ ग्लोबल स्पोर्ट. राइट, एंड इट हैज अ ह्यूज फॉलोइंग इन इंडिया. राइट, सो नेचुरली जो ब्रांड्स हैं वो अट्रैक्ट होती हैं स्पोर्ट पे. एंड थ्रू द ब्रांड्स यू कैन ऑब्वियसली गेट कॉन्ट्रैक्ट्स, यू कैन गेट स्पॉन्सरशिप्स. एंड व्हेन यू रीच द हाईएस्ट लेवल देन ऑफकोर्स यू ऑल्सो गेट सैलरी यू नो फ्रॉम द रेसिंग टीम्स. एंड यू नो Formula 1 drivers are one of the highest paid athletes in the world. So potential is there, but I would say it's a high risk, high reward kind of sport. You put in your effort. Most people will burn out, but if you make it, then you are on a whole different life. Do parents support? आपके parents का क्या reaction था? Because to be honest, sport बहुत ज़्यादा popular नहीं है, और Indian parents को हमेशा डर रहता है बच्चे के career का कि यार ये बर्बाद ना हो जाए कहीं हमारे बुढ़ापे का सहारा है. ये क्या मस्ती कर रहा है? हाँ, क्या मस्ती कर रहा है? गाड़ी चलाना ये करियर थोड़े ना होता है. इस तरह की चीजें होती हैं parents के अंदर. Yes. तो how do you convince them कि नहीं Formula 1 is a sport और इसमें भी अच्छा करियर बनाया जा सकता है if you're performing good. I'm very lucky that जब यंग एज में मैंने जब एक ट्रेनिंग इवेंट के लिए गया वहाँ पे मैं अपनी मॉम के साथ गया और जो वहाँ पे जो हेड थे उसके प्रोग्राम के उन्होंने उनको समझाया अच्छे से कि ऐसा होता है ऐसा होता है. और इसमें डरो मत. और यू नो ठीक है हर चीज़ में रिस्क तो होता ही है हर स्पोर्ट में. ठीक है वो रिस्क आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा. इट इज़ अ डेंजरस स्पोर्ट बाय इट्स नेचर बट इट इज़ मैनेज्ड रियली वेल. आई वुड से इट्स मैनेज जस्ट लाइक एविएशन. एविएशन इज इफ यू सी हवा में उड़ना इज डेंजरस यू नो बट सब करते हैं बिकॉज इट्स मैनेज्ड सो वेल. राइट, हर टाइप के सिस्टम्स आर देयर टू मेक इट सेफ for everyone. Right. And same way in racing, it is inherently a dangerous sport, but it is designed in a way ki maximum safety is applied. Right. So parents will always be a challenge, but I think ab kya hone laga hai, awareness aane lagi hai ki it's not just about driving fast. Right. It's about building a career as an athlete. Absolutely. You know, and building a journey into a sport which can have huge rewards one day for you. Abhi tak hamare India se koi Formula 1 champion nahi aaya. Right. But that person probably already exists today. Is desh mein kahin na kahin Formula 1 champion hai. That might be you. Could be me. I might be standing. Or someone else. Yeah. But there is someone out there. Gaadi chalana people usually think ki gaadi chalani hai, tez chalani hai. Haan, haan, so is it all about speed? Ki kitni jaldi chala lete hain? Aur other cheeze bhi usme. Speed is actually the shockingly us the wo to least part hota hai speed. Mere ko bhi jab main naya naya gaya tha, mujhe laga tha speed mein chalayenge. But speed ekdam se boring ho jati hai. Okay. क्योंकि आप नॉर्मल स्पीड में ही चलाते हो क्योंकि रेस कार सिर्फ स्पीड में ही चलती है. यू डोंट ड्राइव इट स्लो. ओके, सो स्पीड बिकम्स अ वेरी नॉर्मल थिंग आफ्टर फ्यू राउंड्स. उसके बाद इट्स ऑल अबाउट टेक्निक, कॉर्नरिंग टेक्निक. वहाँ पे सारा जो स्किल आता है वहीं पे आता है. सो जो प्लेजर होता है रेसिंग का वो होता है जो आप जो कॉर्नर्स लेते हो ना. Right. इतने हाई स्पीड कॉर्नर्स होते हैं बिकॉज़ ये रेस कार डिजाइंड होती है हाई स्पीड के लिए. हां, मुझे तो सुन के थ्रिल आ रहा है. आई कैन इमेजिन दिस. 200 की स्पीड में हम कॉर्नर कर लेते हैं. एंड वो अगर नॉर्मल कार में करोगे तो कार कभी टर्न करेगी नहीं, वो सीधा ही जाएगी. वो पलट जानी है मुझे लग रहा है. वो सीधा ही जाएगी यू नो. एंड बट रेस कार वो टर्न ही हाई स्पीड में होती है. हां, बिकॉज़ उसमें लगे हुए जो विंग्स होते हैं. राइट, इट्स लाइक एन ऑपोजिट ऑफ एन एरोप्लेन. ओके, सो एरोप्लेन के विंग्स उसको लिफ्ट करते हैं. हां जी, रेस कार के विंग्स उसको पुश करते हैं डाउन. ओके, तो अब इसमें ट्रिक क्या होती है कि आपको एयर तो दिखती नहीं है. हाँ जी, आपको बस विश्वास करना होता है कि होगा होगा टर्न होगी गाड़ी. बिकॉज आपकी जो इंस्टिंक्ट्स होते हैं वो आपको कहते हैं यार हाई स्पीड में टर्न होगी नहीं गाड़ी. सो वो आपको मेंटली ट्रेन करना होता है. हम लोग विजुअलाइज करते हैं पहले. हम एक्चुअली डेटा पहले ही पढ़ लेते हैं कि ये इस टर्न पे 200 पे ही टर्न होगी. राइट, तो आपको पता है कि वो कार केपेबल है. आप केपेबल हो वो आपको बनाना है. टेक्नोलॉजी और डिजाइन ऑफ द कार, आपको मशीन को ट्रस्ट करना है. राइट, सो जब हमको पता है कि मशीन तो कर सकती है, मशीन केपेबल है, तब हमको अपने माइंड को कंडीशन करना होता है. राइट, बिकॉज जब आते हो ना टर्न पे तो एक सेकंड के लिए तो होता है कि ब्रेक मारने चाहिए. हां, क्योंकि जो कंडीशनिंग हुई है उसी हिसाब से ये किया. बिकॉज माइंड इज डिजाइंड कि ब्रेक मारो, बट एक्चुअली वो हाई स्पीड के लिए बना है वो कॉर्नर. वो कार एंड वो कॉर्नर एक स्पेसिफिक स्पीड के लिए डिजाइंड है.
इंटरेस्टिंग गेम यार, इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग गेम. ये सब इतनी सारी चीज हम नोटिस ही नहीं करते पहले ना. एब्सोल्युटली. आई कैन सी देयर अ कार एज वेल. इज दैट योर्स? आई थिंक इट इज योर्स. इट इज माइन फॉर द डे. यस. कैन आई टेक अ राइड? यू कैन गिव मी अ राइड. इट लुक्स वेरी नाइस टू मी. कम गाइस, वी विल हैव अ राइड. सो आई एम एक्चुअली काइंड ऑफ बीइंग वेरी फॉर्चुनेट. आई एम गोइंग फॉर अ राइड इन अ स्पोर्ट्स कार विद अ फॉर्मूला 1 champion who's actually kind of going to be a champion probably. I wish him luck as well. Future champion of Formula 1. I'm wishing him luck. So let's have a ride with him. Let's see. आप कितना तेज चलाते हो? मैं ये देखने वाला हूँ. All right. हम speed limits ऊपर नहीं जाएंगे. All right. Come with me. It'll be fun. It'll be fun. So we are inside the car. और कार लुक्स एक्चुअली गुड. जो मैट ब्लैक फिनिशिंग है, अच्छी लग रही है गाड़ी, टू बी ऑनेस्ट. और लेट्स सी, मुझे अभी से थ्रिल आ रहा है. और जो आवाज़ आ रही है ना, इट इज़ अ वेरी गुड साउंड यार. ये आवाज़ का क्या सीन है? ये कुछ बनवानी पड़ती है? हर स्पोर्ट्स कार में होती है ये वाली कार. ये पहले से ही होती है. इट इज़ अ गुड थिंग. तो ये कार की स्पीड कितनी रहती है? लाइक विच इज़ द हाईएस्ट स्पीड यू हैव ड्रिवन अ कार? हाईएस्ट स्पीड ऑन द रेस ट्रैक आई हैव ड्रिवन 300 किलोमीटर पर आवर. ओह माय गॉड, दैट्स सम काइंड ऑफ स्पीड. How does it feel 300 पे? तो आपको आसपास तो दिखता ही नहीं होगा. It feels like कि हम सड़क पे हैं. और how does it feel? Actually, जो trick होती है कि जब आप slow हो जाते हो, आपको लगता नहीं आप slow हुए. आपको लगता है आप slow हो गए हो. हाँ. और आप तब भी बहुत speed में जा रहे हो. Speed में होते. हाँ. हाँ 300 पे तो जब आप slow होते होंगे तो 100-150 पे you feel like कि दरवाजा खोल दो. Oh shit. अभी काफी तेज है. Right. Okay. And I feel जब आप रेस देते हो ना तो it feels कि यार हाँ हम तेज. And ये मुझे feel हो रहा होगा. I feel आपको शायद इतना feel ना हो रहा हो because you are habitual of it. अरे like a child's play. हाँ. So I have to still focus, you know. Right. बहुत speed है इसमें भी. Right. But आपको थोड़ा सा feel आ रहा है उसका speed का. हाँ, हमको feel आ रहा है. So race car इससे भी बहुत ज़्यादा. इससे भी तेज होती है race car की speed. इससे. In fact, race car में हमको पहले ही visualize करना होता है. That what speeds will be touching. So जब हम उस speed में जा रहे होते हैं उस time सोचते नहीं है, हमको पहले ही पता रहता है. Right. कि हमारे actions क्या होंगे. Okay. क्योंकि अगर आप उस speed में सोचने लगेंगे तब तक time निकल जाता है. हाँ, absolutely. I can see a tattoo जब मैं यहाँ से बैठा हूँ. Okay. And he's trying to give me पूरा thrill. मुझे ना ये मुझे डर वाली vibes भी आ रही है. To me, but I am assured. मैं बहुत trust कर रहा हूँ. Under the speed limit. हाँ. And खाली road. खाली रोड है. यस. एंड दिस इज फॉर द पर्पस ऑफ शूट गाइस. तो आप लोग ये मैसेज भी है कि ज्यादा तेज बाजी ना कर दें. ये रोड पर ट्रैफिक नहीं अभी. हां. और हमेशा सेफ चलाएं रोड पे. अगर आपको थ्रिल्स लेने हैं और मजे करने हैं तो रेस ट्रैक जाइए. रेस ट्रैक्स पे जाइए. हाँ. विच ही हैज बीन सेइंग कि आप जाके. और अब जो नए लोग हैं, मुझे लगता है कि जाना चाहिए यार, बिकॉज स्पोर्ट अच्छा है, रिस्की स्पोर्ट भी है बट इंटरेस्टिंग है. और जैसा ली ने बताया कि स्पोर्ट ऑल्सो रिस्की है, लेकिन उसके लिए जो प्रॉपर प्रीरिक्विजिट्स हैं वो लिए जा रहे हैं. इंडिया के अंदर अब धीरे धीरे अवेयरनेस उसको लेके बढ़ रहा है. कोई अपना एक एक्सपीरियंस बताइए. डिड यू एवर फील कि यार यहाँ पे इट वॉज अ बिट रिस्की, मैं शायद इंजर्ड हो सकता था? कभी रेसिंग करते हुए आपको लगा कि यार तो बाल बाल बच गए, कि आई वाज आई बीन लकी? कोई इंसिडेंट आप शेयर करना चाहते हो? एब्सोल्युटली. मेरे एक दो क्रैशेस बहुत बड़े हुए हैं. ऑलराइट. आई थिंक मेक्स यू थिंक थोड़ा सा कि अच्छा ठीक है, मैंने क्या गलती कर ली. एक्चुअली रेसिंग में क्या होता है कि आप बहाने भी नहीं मार सकते. हाँ. कि अरे ये हो गया था, वो हो गया था, उनका सारा डेटा रहता है. बाहर निकल के मैं आराम से चल के चला गया. बाद में जब मैंने गाड़ी देखी तो मुझे रियलाइज हुआ दैट इट वाज अ रियली बिग क्रैश. इट वाज अ बिग क्रैश. एंड नेक्स्ट डे माय होल बॉडी वाज सोर एंड आई रियलाइज्ड ए द सेफ्टी ऑफ द कार वाज सो हाई. Which you know made me that you were still safe after such a big crash. Respect that, you know, itna technology aur itna safety usme built in hai. All right. So as we are concluding now, Lee, aapka career aage, ab aapke kuch upcoming events kya hai? What are your plans agle ek do saal mein? Please let us know about it. I have some grand plans. Okay. Main pura racing ka comeback mein preparations kar raha hu. Acha, pichle kuch time se aapne abhi racing off pe the. Unfortunately, pandemic ke baad thoda. Haan, all right. And you know, pandemic में हम सब ने कितना mental you know state से निकले हैं. You know, घर में बैठ के बहुत thinking करी. Right. Fitness भी कम हो जाती है. So मैं fitness में वापस आ रहा हूँ. Okay. And I'm driving again very soon. So I'll be driving some very amazing cars. Okay. So मैं try कर रहा हूँ कि मैं Formula 2 में जाऊँ. Okay. Which is the next jump. And Formula 2 में आके बस एक step रह जाता है, उसके बाद Formula 1 का. Okay. So I need to prove myself in Formula 2. And if Formula 2 goes really well,
then Formula One is the goal. Wishing you luck, a lot of luck, and I now kind of believe that I am sitting probably with a future Formula One champion, and when you'll be a Formula One champion, then we'll interview. Thank you. We have to do part two then. Yeah, we'll be doing part two then, guys. Okay.